In this part of lecture, we shall be discussing variety of learning. There are five variety or categories of learning given by Gandhi. The first one is verbal information skill. You can also say these are five skills related to learning, that is verbal information skills, facts and body of knowledge or information, to know the information and different body of knowledge. This is the first category or first variety, you can say. The second one is, so what is first one is verbal information. Skill is also added, so you can also write a skill, verbal information skill, X concepts. Or next one is intellectual skill, you can say. अब इसमें intellectual skill किसको मानता है? Discriminate कर कंसेप्ट के फॉर्मेशन को, प्रिंसिपल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मतलब कहीं ना कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग है उससे भी संबंधित है। तीसरा है मोटर स्किल और ये मोटर स्किल साइको मोटर डोमेन से संबंधित है, मतलब स्किल्ड फिजिकल बिहेवियर, मुख्य रूप से काइनेस्थेटिक। और हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि मोटर स्किल इज एसोसिएटेड विथ द बॉडी मूवमेंट्स, यू कैन से, और रिलेटेड टू द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड चैनलाइजेशन ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। सो मोटर स्किल एंड दी नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड। और एटीट्यूड जैसे आप लोगों ने इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में देखा, उसी की तरह कि एटीट्यूड को डिफाइन करता है एटीट्यूड एन इंटरनल स्टेट ऑफ एक्शन विच अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल चॉइस टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट इवेंट और पर्सन। तो इंटरनल स्टेट चॉइस ऑफ एक्शन टुवर्ड्स पर्सन प्लेस और थिंग, you can see. The last one is cognitive strategies. Cognitive का मतलब आप बेहतर से समझते हैं, that is being governed by your intellect, that is being governed by your brain, you can see. So cognitive strategies, so what is this? स्ट्रेटजीज फॉर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको मेटा कॉग्निशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सो फार एज वेराइटी ऑफ लर्निंग इज कंसर्न, गैनी आइडेंटिफाइड टॉप्स ऑफ फाइव वेराइटी ऑफ लर्निंग, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल, मोटर स्किल, एटीट्यूड, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, मतलब वर्बल इंफॉर्मेशन को लर्न करना, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या डिस्क्रिमिनेशन है उस तरह की चीज़ों को सीखना, ये बॉडी काइनेस्थेटिक से रिलेटेड मूवमेंट या स्किल वाला जो एस्पेक्ट है आपका, साइकोमोटर जो एस्पेक्ट है उससे संबंधित, और ये भावात्मक पक्ष, फीलिंग, सेंटिमेंट्स, इमोशन, और ये सब एटीट्यूड के पार्ट भी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, मोटिवेशन, इंजॉयमेंट, एट दी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, जिसके बारे में हमने कहा मेटा कॉग्निशन और फिर थिंकिंग, रीजनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईच टाइप ऑफ लर्निंग इज एक्वायर्ड इन डिफरेंट वेज। ऑब्वियस है कि सबके सीखने और सबको इंटरनलाइज करने के तरीके अलग अलग हैं। ईच रिक्वायर्स ए डिफरेंट सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस ड्यूरिंग लर्निंग, मतलब ये जो
वैरायटी है, ये सब के लर्निंग में एक ही तरह के कॉग्निटिव प्रोसेस काम नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंट सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस काम करते हैं। शुरू में भी हम लोगों ने देखा कि गैनी के कंट्रीब्यूशन में एक तो 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है, 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स है और 5 वैरायटीज ऑफ लर्निंग है। मुख्य बातें जो गैनी ने कही है, या तो 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के माध्यम से, 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स के माध्यम से, या फिर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये 5 वैरायटी और कैटेगरी ऑफ लर्निंग से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ लेक्चर, दैट इज वैरायटी और कैटेगरी ऑफ लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।